जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें, आपको ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। डियर, आज का टॉपिक है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, किस तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं ईश्वर। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो मैच नहीं होता, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी चूज़ करके देखिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच हो जाए, हो सकता है कि वो आपके लिए हो। कभी कभी पाइल चूज़ करने में भी तो गलतियाँ हो जाती हैं ना। और देखिए, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन सिखाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है। आपके जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग डेली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आइए। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्लेसिंग दीजिए। पता नहीं बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं हाँ, बट पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर हमें लगा कि पूरा दिन रेस्ट करने के बाद चलो आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं, शायद मन को खुशी मिले, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त हमें आप सबके ढेर सारे प्यार की और ढेर सारी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए आप अपनी रीडिंग देखें, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं? तो डियर, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपकी लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन बहुत ज़्यादा है। अनचाहे लोगों के साथ, मतलब कि वो आपको पसंद नहीं करते, आप उन्हें पसंद नहीं करते, उनके साथ आपको घुटन होती है, उनके साथ आप जीना नहीं चाहते, लेकिन ना चाहकर भी, जैसे कि वो ज़बरदस्ती आपके साथ है, जैसे कि एक समाज का डर, लोगों का डर, पता नहीं किस वजह से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। और अंदर ही अंदर आपको लगता है कि क्या क्या ज़िंदगी है ये, इससे बेहतर तो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो रही है। पता है कैसे? आर्थिक स्थिति को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और काफ़ी नेगेटिव लोग आपके आसपास थे जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहे थे, तो ईश्वर कहीं ना कहीं उन्हें आपकी लाइफ से निकाल कर फेंकने वाले हैं, समझ रहे हैं? और ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है, आपने ही ईश्वर से प्रार्थना की थी कि प्लीज़ मुझे इन चीज़ों से बचा लीजिए, इन लोगों से बचा लीजिए। कोई द्वंद्व की स्थिति चल रही थी, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी किसी चीज़ को लेकर, कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूँ या फिर ये करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो डियर, अब एंजल्स आपको क्लियरिटी देने वाले हैं। कोई बहुत पुरानी विश है आपकी, कोई बहुत पुरानी, जिसे शायद आपने बहुत पहले ईश्वर से कहा था और अब तक आप उम्मीद भी ख़त्म कर चुके थे, है ना? बहुत पुरानी विश थी, आप शायद कुछ चाहते थे पर उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, या कुछ तो है ऐसा जो आपने ईश्वर से बहुत समय पहले मांगा था, बहुत समय पहले, लेकिन लोगों की वजह से वो आपसे दूर हो गई। तो डियर, ये समझ लीजिए आपकी वो विश
बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं, बहुत जल्द। किसी से आपका सेपरेशन हो गया है, किसी के साथ आपके रिश्ते का अंत हुआ है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए कमेंट में, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कोई अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से आपको छोड़कर चला गया है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ हों। हमें यहाँ पर फिनेंशियल इशू ही नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। कोई है आपका अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते थे लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से आपसे दूर हो गया है, कहीं दूर चला गया है, कहीं दूर। तो आपकी ये विश थी ना कि वो वापस आ जाए और आप उसके साथ न्यू बिगनिंग करें। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, उसकी न्यू बिगनिंग बहुत बहुत जल्द ईश्वर करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना? हाँ, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। पहले आपको अकेले चलने से डर लगता था, अकेले हो जाने से डर लगता था, आपको लगता था कि अगर वो साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं मेडिटेशन की बदौलत आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जग गया है, आपका आत्मविश्वास जाग चुका है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आप अकेले होने से नहीं डरते, अब आप अपने अकेलेपन को इंजॉय करते हैं। आप एक बात अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई किसी को कभी खुश नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। आपने हमेशा कहीं जाने की ख्वाहिश रखी है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे थे, आप कहीं जाना चाहते थे और वो आपको जाने नहीं दे रहे थे, है ना? बहुत समय से आपकी कोई ऐसी विश है कहीं जाने को लेकर कि काश आप एक बार जा पाते। हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो किसी के साथ और ये आपकी ख्वाहिश हो, लेकिन आपकी फैमिली वाले आपको जाने नहीं दे रहे हैं। तो आपकी ये विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं, और यही वो गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्द आपको मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से रुकावट आ रही है ना, तो बहुत जल्द कहेंगे आपसे कि अब आप जा सकते हो, है ना? और देखिए, हम आपको थोड़ा सा समझा दें, आप कभी कभी ना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। आप ओवर थिंकिंग मत किया करिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप वो इंसान हैं जो हमेशा दूसरों के फेस पर स्माइल लेकर आते हैं। आप भले ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आप किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करते, आप उसके सामने हमेशा मुस्कुराकर बात करते हैं। आपने हमेशा खुद से पहले दूसरों की परवाह की है ना? आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। भले ही फैमिली की तरफ से आपको उतना प्यार ना मिलता हो, लेकिन आपने हमेशा हमेशा अपनी खुशियों से पहले उनकी खुशियों का ख्याल किया है। तो डियर, ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ईश्वर आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं? बस आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच कर खुद को परेशान करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर लेते हैं अंदर ही अंदर। फिर आपकी एक आदत ये है कि आप किसी से बताते और नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपको पता है, जो अंदर की घुटन होती है ना, वो बहुत बुरी होती है, बहुत ज़्यादा। वो आपको अंदर से खोखला कर देती है। एक वो होते हैं जो अपना दर्द बयां कर देते हैं और अपने अंदर का सारा दर्द निकाल कर स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं दर्द से कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो वो घुटन ना इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। तो आपको ये नहीं करना है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी किस्मत में माना कि बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं आपको, लेकिन जितने दुख मिले हैं ना, आज आप एक पेज पे लिख कर रखिए, जितने दुख मिले हैं इतने ही आपको सुख भी मिलेंगे आगे चलकर। ये हमारे जीवन का एक अनुभव है। एक समय वो था जब हमने भी कभी अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे थे। हमें ऐसा लगता था कि क्या ज़िंदगी यहीं तक सीमित है, क्या इसके अलावा आगे कुछ नहीं होगा, बस ख़त्म है इसी ज़िंदगी पर। हम बहुत पहले बहुत छोटे थे, हमसे किसी ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में आज जितना दुख है ना, कल उतना ही सुख होगा, देख लेना।
और आज वो इंसान तो नहीं हमारी ज़िंदगी में जिसने कहा था, पर सच में ये रियल है। बस आपको विश्वास करना होगा खुद पे और ईश्वर पे। मत करिए किसी और पे ट्रस्ट, मत दिखाइए किसी और पर यकीन, पर ईश्वर पर यकीन करिए। पता है ये जो दुख मिलते हैं ना, ये हमारा अपना ही सिलेक्शन होता है। अभी आप लोग शायद जीवात्मा के जगत के बारे में नहीं जानते। आपको पता है जब आपने जन्म लिया था ना, इसके पहले आपने ही ईश्वर से कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भेजिए, मैं बहुत तीव्र गति से अपना आध्यात्मिक विकास करूँगा। आपको पता है जैसी हमारी दुनिया है ना, वैसे ही आत्माओं की भी दुनिया है। जिस टाइप की आत्माएं होती हैं उन्हें उसी टाइप के लोक दिए जाते हैं, उन्हें उसी स्तर पर भेजा जाता है, उसी लेवल पर उन्हें रखते हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ पर बहुत स्लो स्लो सब कुछ होता है। तो हम लोग खुद बोलते हैं कि हमें पृथ्वी पर भेजिए, हमें धरती पर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ 10 गुना तेज रफ्तार से कर सकते हैं। लेकिन जीव आत्मा जगत में, जो आत्माओं की दुनिया है, वहाँ पर भी हम जैसे लोग ही रहते हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। तो हमें जो दुख मिलते हैं ना, वो हमारे भले के लिए, ताकि हम एक ओल्ड सोल बन जाएं और हमारे पास हर तरह का अनुभव हो, जिससे हम इस दुनिया में भी लोगों को अपने अनुभव के बेस पर सही रास्ता दिखा सके। और जब हम इस धरती को छोड़कर जाते हैं, तो जीवात्मा जगत में, आत्माओं की दुनिया में, वहाँ पर भी हम लोगों को सही रास्ता दिखा सके। पता है आपको, इसीलिए जो दुख है ना, उनसे घबराइए मत, बस हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए कि एक समय पर सब कुछ ठीक होगा, पक्का ठीक होगा। अपने ईश्वर पर, अपने एंजल्स पर यकीन करिए। और हम तो आपको बता रहे हैं ना, अगर आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी, आप हमेशा सोचते थे कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम ईश्वर बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं, समझ रहे हैं, बहुत जल्द। आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। हमें ऐसा लगता है कि आप अकेले ही, कुछ लोग हैं ऐसे जो अकेले हैं घर पे, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आपके बच्चे हों, आपको उनकी शादी करनी हो, या फिर उनकी स्टडी हो, कुछ ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, है ना। या फिर आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कैसे होगा सब कुछ। तो सबसे पहले ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ना इस बर्डन से फ्री करने वाले हैं। सडनली आपकी लाइफ में, आपकी आर्थिक स्थिति में आपको एक ग्रोथ मिलेगी, जिससे ये सारी चीज़ें आपको कम लगने लगेंगी। अभी आप जितना खुद को प्रेशर दे रहे हैं, जितना आप खुद को परेशान कर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज़ को ईश्वर आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्द निकालेंगे। और हमने आपको बताया, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो जिस तरह से गया था, ईश्वर उसे उसी तरह से लेकर आएंगे। आपको थोड़ा सा कर्मा क्लिनजिंग का मेडिटेशन करना चाहिए। क्या होता है, हमारे पास लाइफ के कर्मा होते हैं, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव लोग पूर्व जन्म में तो हमारे साथ रहते ही हैं, और वो इस जन्म में भी चिपके हुए चले आते हैं, समझ रहे हो। और वो इस जन्म में भी आकर हमारी ज़िंदगी में रोक टोक टांग अड़ाने लगते हैं, अरे तुमने ये कैसे कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें वो नहीं करना, मतलब हमारी लाइफ की जो खुशियां हैं ना, वो उन्हें छीनने पर लगे रहते हैं। थोड़ा सा आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे। कुछ है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जिसे आपने दबा के रखा हुआ है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई पास्ट की ऐसी घटना है, कोई पास्ट की ऐसी बात है, कुछ है ऐसा जिसे आप अंदर ही अंदर लेकर परेशान होते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे अंदर मत रखिए, उसे रिलीज कर दीजिए, उस दर्द को रिलीज़ कर दीजिए, वरना आप चैन से आगे जी नहीं पाएंगे, खुशी से जीवन जी नहीं पाएंगे। और जो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना कहीं आपको ही इसके लिए एक्शन लेना होगा, आपको ही अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। और ईश्वर आपसे हमेशा एक बात कहना चाहते हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, समझ रहे हैं,
आप एक ओल्ड सोल हैं और ओल्ड सोल को हर तरह का अनुभव होता है, लेकिन आप अपने अनुभवों के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं। जो गलती आप एक बार दोहरा चुके हैं वही आप बार बार दोहराते हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको अपने अनुभवों से एक सीख लेना है और मन में अंदर एक गांठ बांध लेनी है कि कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, आपको जो गलतियां आपने पास्ट में की थी वो फ्यूचर में नहीं करनी है। और अगर कोई आपको छोड़ के जाने की धमकी देता है, कोई कुछ भी, तो आप डरिए मत। अगर वो आपका है तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और अगर आपका नहीं है तो जबरदस्ती उसे पकड़ने का क्या मतलब। उसका तन तो आपके पास होगा पर उसका मन आपके पास नहीं होगा, और प्यार तो तन से नहीं मन से होता है, समझ रहे हैं। तो जाने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, हमेशा ऐसा सोचिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और थोड़ा सा साइलेंस हो जाइए, चुप हो जाइए। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें बोल बोल कर, लड़ाई कर करके नहीं मिलती, चुप हो जाने से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गॉड गाइडेंस है कि आपको पास्ट में बहुत सारे अनुभव मिले हैं, तो अब फ्यूचर के लिए आपको अवेयरनेस रखनी होगी, आपको जागरूकता रखनी होगी कि आप वो गलती दोबारा ना करें। बिना आत्मा की आवाज़ सुने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको, हमेशा आपको अपने इनर वॉइस को फॉलो करना है, समझ रहे हैं। और अकेले होने से कभी मत डरना, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं रहते, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं, जो उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। ईश्वर, पता है, ईश्वर आपको परिपक्व करना चाहते हैं, ईश्वर हर तरह से आपको ठोस बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जो इतने सारे दुख दर्द मिलते हैं ना, वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं मिलते हैं, वो हमें स्ट्रांग करने के लिए मिलते हैं, है ना, वो हमें स्ट्रांग करने के लिए मिलते हैं। इस वजह से ईश्वर कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, और कुछ तो आपका अपना कर्मा है, हो सकता है कि इस जन्म का हो या फिर पास्ट लाइफ का हो, ये आपको याद नहीं है, इसी वजह से आप ब्लेम करते हैं। पर अगर आपको याद होगा तो आप वाकई ईश्वर के शुक्रगुजार होंगे, आपने जो गलतियाँ की हैं ना उसके बराबर तो आपको दुख मिले ही नहीं हैं। और देखिए, यहाँ पर ईश्वर हमें दुख नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो हमें दुख और सुख देते हैं। तो आपको ईश्वर को या फिर किसी और को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि आपकी किस्मत किस तरह से बदलेगी, आपकी लाइफ में जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कहीं ना कहीं वो कम होने वाली हैं। अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान थे, तो आपकी ये समस्या बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए उनके लिए, समझ रहे हैं। आपकी कोई बहुत पुरानी विश है जो ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को अब पॉपुलरिटी मिलने वाली है, नेम फेम मिलने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कोई सोशल वर्कर हैं, आप यूट्यूब पर कुछ काम करते हैं, कोई वीडियोस वगैरह बनाते हैं, या फिर आप इंस्टा पर कहीं पर भी, तो आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको ना लोग जानने वाले हैं। अभी तक लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन अब आपको लोग जानने वाले हैं, और जब आपको लोग जानेंगे, जब आपको जानेंगे तो आपको पसंद भी करेंगे, तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बनने वाले हैं। एक तरीके का ना इवेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके लाइफ में आपको एक सक्सेस मिलने वाली है। या ओवरऑल आपकी लाइफ से ना मोस्टली 50% प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, किसी पर ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो आपको दुख देते हैं आप उनसे कुछ मत बोलिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना, उन्हें वक्त जवाब देता है, उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं, और ईश्वर का जवाब बहुत बुरा होता है। वो उन्हें अच्छे से सबक सिखाते हैं। तो बस आप शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए, बस ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर उसे अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो डियर, यकीन करिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ चेंज होगी, बहुत जल्द। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर बहुत कम है। अच्छा बताइए, क्या एंजल्स आपको 333 शो करते हैं?
क्या एंजल्स आपको 666 शो करते हैं? कभी भी आपको ये रिपीटेड नंबर शो होता है? अगर होता है तो यकीन करिए, बहुत जल्द आपके जीवन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंदर से पॉजिटिव रहिए और दुखों से घबराइए मत, क्योंकि दुख हो या फिर सुख हो, हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, बदलते ज़रूर हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? सबसे पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी। चलिए जल्दी से रिश्वत दीजिए, फिर जल्दी से हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, किस तरह से आपकी किस्मत बदल रही है। दे दी रिश्वत। आपको पता है कि हमें कौन सी रिश्वत चाहिए? फिर से बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, ढेर सारी पॉजिटिव से स्माइल दीजिए और प्रॉमिस करिए कि जीवन में दुख हो या फिर सुख हो, आप घबराएंगे नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप अपना आत्मविश्वास बना कर रखेंगे, क्योंकि जीवन में कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, दिन बदल जाते हैं। तो अगर आज आपके जीवन में दुख है तो यकीन मानिए, ये दिन भी गुजर जाएंगे और बहुत जल्द आपके जीवन में सुख आएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस चाहिए हमें आपसे कि आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, होपलेस नहीं होंगे। दीदी, चलिए अब हम आपको बताते हैं। आप में से कुछ लोग ना बहुत समय से यूनिवर्स से कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप? बहुत समय से किसी चीज़ के लिए बहुत डीप प्रेयर कर रहे हैं आप, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं आप, आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसी दिसंबर में मिलने वाला है आपको। और कुछ लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके जीवन में अनकंडीशनल लव उन्हें मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ आपका इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा, लेकिन वो आपका सोलमेट होगा। लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, कोई न्यू पर्सन जिसे आप डिज़र्व करते हैं, समझ रहे हैं? अब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे, बहुत मासूम इंसान हैं, और ईश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में आपको वो देने वाले हैं जिस प्यार के, जिस इज्जत के, जिस रिस्पेक्ट के आप हकदार हैं, समझ रहे हैं? तो आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव मिलने वाला है आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली इशू है, और फैमिली इशू की वजह से ही आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका सब कुछ सही चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि फैमिली इशू की वजह से आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। फैमिली इशू क्यों है? या तो एज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू होगा, कुछ इशू है जिस वजह से, मतलब कि उनकी फैमिली को या फिर आपकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और हो सकता है इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो। तो डियर, भूल जाइए, बहुत जल्द आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए एग्री होने वाली है। हमें तो लग रहा है कि कहीं आपने ईश्वर से यही विश तो नहीं मांगी कि आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाए। कहीं आपने ईश्वर से यही तो नहीं कहा कि प्लीज़ गॉड, हमारी फैमिली को इस रिश्ते के लिए रेडी कर दीजिए। अगर आपकी यही विश है ना,
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और इधर पता है बहुत सारे ट्विन सोल जड़ने वाले भी हैं, जी हाँ, जिनका उनके काउंटर पार्ट से इसी दिसंबर में यूनियन होने वाला है। कुछ लोग अपने क्रश के लिए शायद देख रहे हैं ये रीडिंग, और वो अपने क्रश के साथ मिलना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फिर किसी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, उसकी फिटनेस, उसकी पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, आप उसके साथ ना फिजिकल होना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हमें ऐसी वाइब आ रही सडनली, हो सकता है कोई भी हो, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं ये वही हो सकते हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है, समझ रहे हैं। कुछ समय पहले आपकी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया था, चीट किया था, आपने सोचा था कि ये इंसान बहुत अच्छा होगा, आपने सोचा था कि ये इंसान बहुत अच्छा होगा, आपने उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया था, आपने उसे अनकंडीशनल लव दिया था, आपने उसे हर तरह से प्यार दिया था, कहीं ना कहीं आपने उसे अपने लिए सब कुछ मान लिया था, आपको लग रहा था कि इससे बढ़कर कोई नहीं आपके लिए दुनिया में, ऐसा सोचा था ना आपने। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने आपके प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उस इंसान ने क्या किया, तो ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द ईश्वर आपके जीवन में आपको वो देने वाले हैं जो हर तरह से आपके लायक है, जो हर तरह से आपको प्यार देगा, जो हर तरह से आपको खुशियाँ देगा, जो आपको समझेगा, जो आपके शब्दों का मोहताज नहीं होगा, जो आपके जज्बातों को, आपके एहसासों को समझेगा। बहुत लोगों की यहाँ पर हमें न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, और कुछ लोगों की तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाँ, हो सकता है कि आप अपने चक्रों पर मेडिटेशन कर रहे हों, या फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने मणिपुर चक्रा पे, तो कुछ लोग अपने मूलाधार चक्रा पे आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना। तो डियर, ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस मिलने वाली है, समझ रहे हैं, बहुत जल्द। और एक बात हम आपको बता दें, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें ग्रोथ मिलेगी, क्या इसमें सक्सेस मिलेगी, तो डेफिनेटली टेंशन मत लीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, हाँ, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये कुछ भी हो, कोई इंसान हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी, तो उसके बारे में लोग ने आपसे गलत ही बोला है कि नहीं नहीं वहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ पर तुम्हें बहुत दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, कुछ ऐसा लोगों ने बोला है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि शायद आप चाहते हैं उसे पाना। तो डियर, आप आगे बढ़िए, लोगों का तो काम ही कहना होता है। आपको पता है जो चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाते ना, हम उन्हें अक्सर बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि चालाक लोमड़ी, अगर उसे अंगूर नहीं मिले तो फिर अंगूर खट्टे हैं ये कहकर उसने छोड़ दिया कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन अंगूर तो मीठे थे, पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, वो उसे तोड़ नहीं पाई। ऐसे ही जो आप पाना चाहते हैं, कोई इंसान हो जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, या फिर करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो सही नहीं है, उसे छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो अंगूर खट्टे ही हैं। पर आप आगे बढ़िए, रास्ता खुद ब खुद आपको नज़र आएगा, आप दूसरों की बातों में मत आइए। आपको पता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं ना, वो सिर्फ ऊपर से दिखने के हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन अंदर से दरअसल उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, हमारी सक्सेस से, हमारी हैप्पीनेस से। अब वो कुछ कर तो सकती नहीं है, कुछ कर तो सकती नहीं है, तो क्या करें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत कुढ़न होती है,
तो ये वो लोग हैं जो आपके पीठ पीछे, जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं कि किस तरह इसकी टांग पकड़कर इसे पीछे खींचा जाए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उनकी मत सुनिए, आप ईश्वर पर यकीन करके आगे बढ़िए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। समझ रहे हैं, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और उनके साथ काफ़ी इश्यूज हैं, शायद हो सकता है कि फैमिली ना मान रही हो, कुछ ऐसा काफ़ी इश्यूज हैं, रिलीजन इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, या फिर एज डिफरेंस हो, वो मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, ऐसा कुछ है और आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, तो लोग आपको रोक रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो डियर, आप टेंशन मत लो, ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आप शायद ये सोच रहे हो कोई न्यू पर्सन है कि प्रपोज करूँ ना करूँ, कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया, तो नहीं, टेंशन मत लो, आप कर दो प्रपोज, रिजेक्शन नहीं मिलेगा, वो ज़रूर आपको एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूर से ज़रूर आपको एक्सेप्ट करेंगे। और एक बात, ईश्वर हमेशा आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत जल्द कंप्लीट होगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है और कभी होपलेस नहीं होना है। आप तो स्ट्रांग बच्चे हो ना, आप तो स्ट्रांग बच्चे हो ना, तो आपको छोटी मोटी बातों से हारना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे कुछ इससे बेहतर होगा। तो खुद पर विश्वास रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो, और कभी भी हार मत मानो, ट्राई करते रहो। आपको पता है, एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा सीड, एक बड़ी सी चट्टान को चीर कर निकल आता है। तो फिर आप तो इंसान हो, आप तो मनुष्य योनि में हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? बस अपना आत्मविश्वास ऊंचा करके रखो, स्ट्रांग करके रखो, दुनिया आपके कदमों में होगी। समझ रहे हैं? और देखिए, हमने बताया कि जितने लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके कोई पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, या फिर आपके कोई फैमिली का मेम्बर है, कुछ भी, तो आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द कंप्लीट होगा, आपको बहुत जल्द वो पर्सन आपके सामने मिलेगा। समझ रहे हैं? वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, और आपको कोई रोक रहा है। हो सकता है कि ये करियर से रिलेटेड जो है ना, वो कहीं जाने से रिलेटेड है, हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड और लोग आपको रोक रहे हैं, तो एक बार आप उनकी बात सुनिए, और जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं ना, वहाँ के बारे में डीपली इंक्वायरी कीजिए, सारी छानबीन करिए, उसके बाद ही आप जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन पहले आपके पास होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बस किसी ने बुलाया और आप चले गए। तो ईश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं। ये रीडिंग पता है जो पाइल नंबर 2 है ना, ये स्पेशली लव रीडिंग है, क्योंकि इधर सारे कार्ड्स ना कपल्स के आए हुए हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है। तो जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, बस आप इतना समझ लो, अगर आपके करियर में कुछ बेहतर नहीं होता इस दिसंबर, तो बस आप ये यकीन कर लो कि आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन होगी इस दिसंबर। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अगर अकेले हो तो किसी का प्रपोज़ल मिलेगा, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और अगर शादी करना चाहते हो तो बहुत जल्द मैरिज प्रपोज़ल मिलेगा। अगर आप बहुत समय से अपने लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढ रहे हो और किसी के साथ बात बन नहीं रही है, तो इस दिसंबर बनेगी, क्योंकि इधर ना प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव वाइब आ रही है कि इधर प्यार के मामले में आप सबको सक्सेस मिलेगी, सबको, बस आप अंदर से हार मत मानना और मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखना। समझ रहे हैं? आपकी लव लाइफ को लेकर आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपको अहमियत नहीं देते, आपको प्यार नहीं करते, कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो इस दिसंबर तो वो थर्ड पार्टी इशू भी आपकी लाइफ से आउट होगा और आपके रिश्ते में एक ग्रोथ होगी, एक पॉजिटिव ग्रोथ होगी। समझ रहे हैं? आपके रिश्ते में बहुत प्यार बढ़ेगा,
बस समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और टेंशन नहीं लेना है, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ठीक है डियर, हमने आप लोगों को बताया था कि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है हमारी, तो एनर्जी इम्बैलेंस ही हो रही है, ठीक हो जाएंगे जल्दी, तो इस वजह से पाइल नंबर 2 की रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं। किसी ने शिकायत की थी कि दीदी क्या है ये, पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो आप बहुत लंबी करते हैं और हमारी रीडिंग आप बस छोटी सी करके छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते वक्त थोड़ी सी एनर्जी थी, अभी थोड़ा सा फिर और थोड़ी तबीयत और ख़राब हो रही है। इधर लव रीडिंग है, इधर हर तरह से सबका यूनियन, न्यू बिगनिंग, कोई उनकी लाइफ में आ रहा है, किसी के हस्बैंड वाइफ के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है इस दिसंबर में, मतलब हर तरह से आपके लिए पाइल नंबर 2 पॉजिटिव ही है, करियर हो या फिर लव लाइफ हो। अब कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया हमने, गागर में सागर भर दिया है हमने, कम शब्दों में पूरा पूरा समझाने का प्रयास किया है हमने, हमने ये नहीं किया कि छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बताएं, बड़ी सी बात को शॉर्टकट में बता दिया है। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से जल्दी रीडिंग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ना पाइल नंबर 1 की रीडिंग छोटी सी करेंगे और पाइल नंबर 2 की रीडिंग खूब लंबी कर देंगे, तब देखते हैं आप हमसे बात करते हैं कमेंट बॉक्स में कि नहीं। ठीक है तो चलो पहले जल्दी से पॉजिटिव से स्माइल दो आप हमें दीदी। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।